दोस्तों, गुड आफ्टरनून, और आप सभी का स्वागत है मेरे आज के नए ब्लॉग पे। तो आज की स्टार्टिंग हो रही है 1:30 बजे से, और खाना पीना हमने खा लिया है। तो हमारे घर पे कोई गेस्ट आया तो मैं उनके लिए बना रही हूँ चाय, और मेरा जुकाम थोड़ा बहुत ठीक है अब तो। आज मुझे ना बिल्कुल टाइम नहीं मिला क्योंकि बहुत सारा काम था घर पे, बहुत ऐसी चीज़ें थी जो समेटनी थी, तो वो समेट चुकी हूँ और अभी हो रहा है मुझे टाइम, तो मैं अभी से ब्लॉगिंग कर रही हूँ। तो मैं, अगर मेरे को आज टाइम होगा तो मैं दिखाऊंगी कि हमारे पति देव क्या क्या लाए हैं, और क्या कहते हैं, और हमारे नंदी सास लोगों ने क्या क्या भेजा है। तो अगर मुझे टाइम मिला तो हाँ, तब दिखा पाऊँगी। और इस वाले फ़ोन से अब एक दो दिन ही ब्लॉगिंग चलेगी क्योंकि मेरे लिए अब नया फ़ोन आ चुका है। तो गाइस, बना लेती हूँ पहले चाय, मिलती हूँ आपको उसके बाद, क्योंकि मेरा ध्यान चाय पे है और मैं बता नहीं पा रही हूँ। तो पहले चाय बना लेती हूँ, दे देती हूँ सबको, फिर बात करती हूँ। क्या नहीं, जा सो जा, तू सो जा। नहीं मम्मी का नहीं। अरे भाग गए भाग गए, देखो मार खाएगी, कौन कहता होगा चिच्ची। मैं डालूंगी, देखना पक्का डालूंगी। ये देखो भाई, ये शख्स है। दोस्तों, हम लोग आ गए हैं घास काटने के लिए, और हम आए हैं आज यहाँ दीदी और मैं, हम दोनों आए हैं। तो हमने अंदर से स्वेटर भी पहनी है पर बाहर से शर्ट पहनी है, क्योंकि ना यहाँ बहुत सारे कुमल लग जाते हैं, और यहाँ की धूप जा चुकी है। पल्ले वाले डाणे में धूप अभी बहुत तेज़ है, पर हमारे वहाँ बिल्कुल नहीं है। और जो गेस्ट हमारे घर पे आए थे वो भी जा चुके हैं अब, और काटते हैं घास वगैरह, और कल से फिर हमें सूखी घास भी काटनी है, मतलब गजो काटना है कल से। तो फटाफट घास काटते हैं, मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। कपड़े यहाँ पर से कपड़े ही कपड़े हैं, तो सब अलग अलग उठाने हैं। जो सूखे हैं उनको अलग उठाऊंगी, जो गीले हैं उनको अलग उठाऊंगी। ये है मेरी गर्म सूट, इसको अलग। तो गाइज, कपड़ों का ढेर उठा लेती हूँ, और मैं भी शाम का मौसम दिखाऊँ आपको, इतना प्यारा हो रहा है, पर ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। तो मैं आपको शाम का मौसम दिखाती हूँ। और यहाँ ये इग्नोर मानना क्योंकि यहाँ पे दाना हुआ था ना, ये दाग छोड़ रहा है, इसने दाग छोड़ दिया दाने ने। तो आज शाम का मौसम कुछ इस प्रकार है। आज मैंने बहुत दिनों के बाद यहाँ से कुछ दिखाया है, पर ना आजकल मेरी ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी नहीं। और मैंने ये छोटू मोटू भी धो रखे हैं, देखो इसके छोटू मोटू बहुत गंदे कर दिए थे सानू ने। और ये सारे कपड़े देखो सानू के ही हैं, ये सिर्फ एक दिन के कपड़े हैं, सॉक्स भी उसी के, मतलब सारे कपड़े उसी के हैं गर्म वाले। और यहाँ पे कुछ स्वेटर हमारी हैं, और यहाँ पे उसके पापा के जो मैंने कल पहन के आए थे, मैंने आज धो दिए हैं ये, क्योंकि मुझे ना कपड़े रखना बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे मेरे हों किसी, अगर कोई मार्केट भी जाता है ना तो वहाँ से घर आता है तो मैं सीधे दूसरे दिन सारे कपड़े धो धा के रख देती हूँ, मुझे वही पसंद है। और एक कंबल था पतला सा, वो सफ़र के लिए अच्छा होता है, वो मैंने अभी धोने के लिए, मतलब सर्फ में डाल डुल के थोड़ा उसको ऐसे ही हाथों से निचोड़ना चढ़ करके उसको भी डाल दिया है, धूप में नहीं डाला है, मतलब उसको मैंने पानी वो करने के लिए छोड़ने के लिए रख दिया है। तो उसको मैं कल डालूंगी, क्योंकि ऊपर वाले छत में जाने का मन नहीं था मेरा, वो उस वाले छत में, तो मैंने नहीं डाला। तो गाइस, मुझे ना वहाँ ऊपर से कोई देख रहे तो मैं बाद में मिलती हूँ आपको। चलो अब बोलो, ओ पड़ुआ बाजू जी, नहीं ओहो साफ करो उसको, मैं फेंक दूंगी गंदे को। अपनी ड्रेस दिखा दो, गलम पैजामा। ये श्रीलंका है, चिल्ला ये चिल्ला है, वो चिल्ला लिए, नच कर दो फिर, नच दिखा दो। कुत्तू
नहीं वो सूखे नहीं है, सूखे नहीं है यार बेटू, आप उल्टे काम करते हो। नहीं सूखे नहीं है वो दोनों। आजा हम कपड़े उठाते हैं, चलो जाते हैं। अब यहाँ बग्गू भी आता है। तो गाइज इस बार ना मेरे लिए कड़वा चौथ पे बहुत अच्छा गिफ्ट आया है, और गिफ्ट है ये मेरा नया फोन। और इस फोन को ना अभी मैं पूरा नहीं दिखाऊंगी किस कंपनी का है क्या है, पर जैसा है मेरे लिए बहुत बड़ा है, क्योंकि ना क्या ही बता। तो मेरे को गिफ्ट में मिला है इस बार फोन और एक सूट। सूट मैं आपको बाद में दिखाऊंगी जब मैं सिलवा लूंगी उसको। बाबू उसमें पिन है दे दो। और एक खास चीज और मिली है, वो आपको मैं अभी नहीं दिखाऊंगी, जब वो चीज़ आ जाएगी ना उसके बाद दिखाऊंगी। और यह है मेरे फ़ोन का पीछे का लेवल, और यह है थोड़ा किनारे का, और ये देखो। तो वो चीज़ क्या है, वो तो सबसे खास होने वाली है, मैं आपको बता। चलो जाते हैं, मैं जा रही हूँ। वो मंगलसूत्र मत करो बेटा, वो टूट जाएगा, वो निकला है वहाँ पर से। सो जाएंगे, काम कौन करेगा? हम सो जाएंगे। चलो बाद में सोएंगे, चलो सो जाएंगे। चलो बेटा। तो गाइस आपको मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में।